नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के फेज थ्री की जो एग्जाम ली गई उसमें पेपर आउट होने का मामला सामने आया। बता दें, पेपर लीक का जो ये मामला है, अब इसमें एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। बता दें, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि पेपर में बार कोड ही नहीं थे। बार कोड की मदद से ही ये पता चल पाता है कि पेपर सील है। दूसरी चीज़ की भी उसी बार कोड से ये जानकारी मिल पाती है कि परीक्षा किस केंद्र में किस हॉल में ली जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जब ये मामला सामने आया कि प्रश्न पत्र में बार कोड नहीं थे, तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि इसका मतलब है कि पहले ही जब प्रश्न पत्र प्रिंट हुए उसी वक्त जो है पेपर लीक हो चुका था। बता दें कि ये एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो मामला है इसे लेकर के लगातार जो है साक्ष्य लाने का कोशिश ईओयू कर रहा है। साक्ष्य बीपीएससी को देना है। बीपीएससी ने साफ कह दिया है कि साक्ष्य ला करके दीजिए, तभी पेपर रद्द किया जाएगा। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव से बाहर निकाला गया, इसके बाद उसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दे दिया गया। अब तक मिले साक्ष्य के आधार पर शक के दायरे में प्रिंटिंग प्रेस और आयोग दोनों ही आ रहे हैं। चाहे प्रिंट होने के पहले प्रेस से या फिर प्रेस तक पहुंचने से पहले वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया है। हालांकि ईओयू के स्तर पर गठित एसआईटी पूरे मामले की गहन तफ्तीश में जुटी है, इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बता दें कि जब्त किए गए प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा हिंदी में छपा मिला था। इसका मिलान बीपीएससी के मूल प्रश्न पत्र लेकर करने पर सभी प्रश्न पत्र हूबहू मिले थे। अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा पर प्रश्न पत्र चार भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बंगला में छपता है, परंतु बरामद किया गया प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा हिंदी में ही था, अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। इससे भी यह साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या फिर यहाँ तक पहुँचने से पहले ही आयोग के स्तर पर लीक कर दिया गया है। इस मामले की गहन तफ्तीश करने के लिए ईओयू के एसआईटी बीपीएससी के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं इससे जुड़े कई पहलू अब देखने को मिल रहे हैं। इसमें कई स्तर के लोगों की मिली भगत सामने आ सकती है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपवाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी लेकर ईओयू की टीम उनसे भी पूछताछ कर सकती है। कहीं से फोटो खींच कर नहीं भेजा गया था, इसे लेकर के बातें भी सामने आ रही है। अब तक की जांच में ये अहम बात सामने आई है कि प्रश्न पत्र की फोटो खींच कर इसे कहीं नहीं भेजा गया था, ना ही पेन ड्राइव में ही लोड किया गया था, बल्कि मूल प्रश्न पत्र की कॉपी को ही पेन ड्राइव में कॉपी करके इसे सेंटरों और अभियुक्तों को रटवाने की कोशिश की गई थी। अब इसे लेकर ईओयू जांच में जुटी है। वहीं ईओयू ने बीपीएससी को कहा है कि नोडल अधिकारी इसे लेकर जांच कर रहे हैं। जांच प्रक्रिया को जल्द पूरी करके ईओयू बीपीएससी को पूरी साक्ष्य सौंप देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।